नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं हुसैनाबाद अनुमंडल में। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे ये हुसैनाबाद अनुमंडल का एकमात्र पशु चिकित्सालय है। लगातार यहां पे हमें कंप्लेंट मिल रहा था कि यहां पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। चलिए हम आज यहां पे पहुंचे हैं और जानते हैं कि यहां पे क्या समस्या है और डॉक्टर साहब क्यों नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? मनोवर अली। क्या आपका यहां पे क्या पदभार है? टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट। यहां पे अभी डॉक्टर कौन है? डॉक्टर शाहिद इकबाल हैं, मोहम्मद शाहिद इकबाल। कहाँ पे हैं अभी? उनका सर 6 जगह चार्ज में है, तो इस वक्त कहाँ पे है वो हमको तो हम अभी मान लीजिए कि कोई अगर आया अपना बकरी को लेके चाहे किसी गाय को लेके, तो उसका कौन इलाज करेगा? उसको हम लोग भी राय मशवरा लेकर के फ़ोन से पूछ करके या जितना समझ में आएगा हम लोग उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं। मलहम पट्टी हो गया या कुछ दवा तो दे देते हैं। नहीं है तो फिर भी आप इलाज कीजिएगा? नहीं, उनसे पूछ लेते हैं, नहीं कहेंगे फ़ोन से उनसे पूछ लेंगे कि सर ऐसा ऐसा शिकायत है, तो फिर अपना बता देते हैं कि ये दवाई दे दो। डॉक्टर साहब बता देते हैं हम लोगों को। डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे, फोन पे उनको पता है कि क्या बीमारी है, क्या समस्या है। वैसा कोई आएगा तो ना हम बोले, वैसा कोई आ गया, अगर वैसा कोई पेशेंट आ गया तो हम लोग पूछेंगे अपना पदाधिकारी से, सीनियर से। क्या आप लोग दवा हुआ रखते हैं? हाँ, दवा रखते हैं। किधर है दवा? हम लोग के पास है वो, हाँ टेबल पर था ना रखा वो लगा हुआ हम लोग के गोरो में एक्सपा दवाइया जी। इधर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हुसैनाबाद अनुमंडल का एक मास पशु चिकित्सालय है और यहाँ पे क्या इन लोग क्या दवा है, क्या अगर मान लीजिए कोई मरीज आ गया, अथी कोई गाय बकरी जो मरीज आ गया, उन लोग का किस तरह का इलाज होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का पास दवाई रहता है, ये हम लोग बांटते हैं। इससे क्या होता है? ये दवा मिनरल मिक्सचर है, ये मिनरल मिक्सचर। अगर मान लीजिए किसी को जख्म उसका ठीक नहीं हो रहा है, कौन सा उसका हम लोग मलहम देंगे, वहाँ मलहम है। हम लोग मलहम निकाल के दिखा दीजिए का दो, और कीड़ा का टेबलेट दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे कंडीशन है। फ्रिज को देखिए किस कंडीशन में है, ना वायर देखिए वायर किस तरह का कंडीशन है, ना इसका कनेक्शन दिया गया। तो सर फ्रिज व्रिज तो रखना चाहिए ना, वैक्सीन फ्रिज आ गया ना, तो चालू है वो? चालू है? चालू नहीं हो पाया ना, फ्रीज है लेकिन चालू नहीं हो पाया। फिर क्या नाम है आपका? हमारा उदय जी नाम है। क्या यहाँ पे किस पदार्थ पे हैं? हम अनुसेवक में हैं। अनुसेवक पे हैं है। आपका काम क्या है, मतलब यहाँ पे क्या क्या काम है आपका? हमारा यहाँ अस्पताल खोल के बैठना है। बस अस्पताल खोल के बैठ जाना है? हाँ, कंटिन्यू में खुला रहता है। हमें यहाँ पे लगातार सूचना मिल रही थी हुसैनाबाद से कि आप तो आकर कब डेढ़ महीना एक महीना ग्राम सभा में खुला नहीं रहता है। कौन सी हॉस्पिटल? तो स्टाफ अथी करेगा, क्या बोलता है, ग्राम सभा हुआ, क्या नाम था उसका, जनता दरबार लगा पंचायत वाइज, उसमें गए। इसके बाद मुख्यमंत्री योजना था जो चलो गांव की ओर वाला में, वो तो आप लोग को यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है कि आप लोग आपके द्वारा सरकार कार्यक्रम है जाना है, वहाँ पे आप लोग क्या काम रहता था? वो सब फाइल देखिए जो बांध के रखा हुआ है टेबल पर, वहाँ पे आप लोग काम क्या रहता था? हम लोग का फार्म लेना काम है। कौन सा फार्म? क्या वहाँ पे इलाज करते थे बकरी लोग का? गाल इलाज की बात नहीं है, अलग काम रहता था। विकास मुख्यमंत्री कृषि योजना जो है उसमें गाय बकरी सुअर मुर्गी दे रहा है सरकार, तो उसका आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें हम लोग बंद करके गए हैं। आप तो बताइए सरकार यहाँ पे ये हॉस्पिटल किस लिए खोली है? आपके सरकार द्वार कार्यक्रम में यहाँ से डॉक्टर यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट जो भी है चले जाते हैं। अगर किसी जानवर का तबीयत खराब हो लेकर अगर ग्रामीण यहाँ पे आए तो कौन इलाज करेगा, इसका जवाबदेही कौन है? सरकार बताए, आप लगातार आप इनको आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बुलाते हैं, अगर यहाँ पे जानवर आ जाए अगर उसका पैर टूट गया तो कौन इलाज करेगा, कहाँ जाएगा वो लेकर? ये हुसैनाबाद अनुमंडल का एकमात्र पशु चिकित्सालय है, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे बताइए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा कहाँ होता है, वैसा तो कभी शिकायत नहीं आता है कि किसी का पैर टूट गया हो और आ गया यहाँ आ गया और कोई है नहीं, ऐसा तो आते ही नहीं है। उन लोग का कहना है कि खुला ही नहीं रहता। कौन बोलता है जरा सामने आएगा था ना। आप हमको बता दीजिए कि आप लास्ट इलाज कब किए, दिखाइए अपने यहाँ रखते होंगे ना पर्ची में, आपका लास्ट इलाज आप कब किए दिखाइए। तो आज जिसको दिए तो नंबर लिखे थे 30 ना है, कल 29 वाला देखते हैं हम लोग। एक ठो और था नहीं वाला कॉपिया हम लोग का जी, एक ठो और कॉपिया कहाँ ही वाला है, ये तो 10वां महीना वाला है। 27/10/2022 का है। अरे रुको ना यार, नया वाला दिखा। बद्री नारायण सिंह पंचायत समिति महुआरी। ये क्या चीज का? यहाँ लो ना यार करेंट वाला, उसका पहले वाला देखने से क्या होगा। तो ये क्या चीज है?
दोनों में लिखते हैं, जो सामने रहता है उसमें लिखते हैं। आप अभी इलाज किए हो, कहाँ लिखे हो आपको पता? इलाज हम लोग नहीं करते हैं, दवाई देते हैं। लिखे होंगे ना, आप ही ना लिखे होंगे? कल वाला एक और कंपनी था, ये वाला का अरे तो हम लोग डेट कहाँ लिखे हैं, डेटवा ना हम देख रहे हैं। रुके रुके, डेट तो कैसे मालूम चलेगा कहाँ पे इलाज किए हैं, कौन सा डेट पे इलाज किए हैं, कौन सा दिन को इलाज किए हैं? हम लोग दवाई बांटते हैं खाली ना यार, इलाज कैसे करेंगे? 18/10/2022 का, तो उसके बाद कोई आएगा लेने के लिए तब ना यार? 20/10 को आया, फिर 22/10 को आया, 22/10 के बाद उसके बाद कोई नहीं आया है। आप बोल रहे हैं कि आज आया? ना ना, लिखे हैं, लिखे हैं, वही हम देख रहे हैं कहाँ पे है। कल हम डेट नहीं चल है। अब 22/10 का इधर लिखिएगा, आप उधर अगले महीने सीरियल में है यार। उसके बाद 11 जाएगा ना, उन्हें उस सब 11/12 करना है, 11 करना है। ना ना, ये 10 महीने का है, नीचे 11/11 का होना चाहिए ना। आप आज इलाज किए तो देखो, यहाँ लो, देखो यहाँ कौन कौन डेट का लिखा है, कहाँ डेट लिखा हुआ है? देखो नहीं यार, पढ़ो नहीं यार, 22/11 है, यहाँ है लिखल 23/11। हाँ देखो, 24/11 आज का किधर है दिखाई ना? आज को आएगा लेने के लिए तब ना? बोले सुबह में इलाज कराने आया। सुबह में तो हम लोग थे ब्लड लाने के लिए, अभी ये बैठे थे, सुबह में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने गए थे हम लोग। बोले ना कि सुबह में इलाज किए हैं, बोले थे ना भैया? इलाज नहीं, दवाई दिए थे। दवाई दिए तो कहाँ लिखे बताइए, किसको दिए, कौन आदमी को दिया बताइए, दवा दिए तो बताइए। यही दिए थे हम तो, चलेगा तो ब्लड कहाँ लिखे हैं? लेकिन बैराव के अथि है, मुखिया है, उन्हीं को दिए हैं। अब तो कहाँ लिखे हैं आपसे सर? ये अथि नहीं दिए हैं तो बताइए, जब जब सरकार आपसे बोलेगा कि किसको दिए कहाँ दिए दवा, तो आप क्या बताइएगा? आप जैसे दवा भी चोरी कर सकते हैं, बेच दीजिएगा किसी को? वो सब बात नहीं बोलिए, दवा चोरी क्यों? कोई दुकान वाला बताएगा, कोई दुकान वाला बताएगा हमको? तो दिए तो बताइए ना, कहाँ लिखा हुआ है बताइए हमको। अरे तो यहाँ 23/25 तक 24 तक लिखा है। आप बोले ना कि दवा दिए हैं। अरे तो हम आए थे ना, तो हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करने चले गए थे, ये बैठे हुए थे। तो कहाँ लिखे बताइए, आप ही बताइए, दोनों में से बताइए कहाँ लिखे हैं। आप इनके ऊपर बोलिए, आपके ऊपर बोलेंगे, चलता रहेगा बात में, नहीं लिखा। हाँ भाई, तो कहिए रहे की बैराव के मुखिया जी थे, मुखिया जी है, उनका भी लिखे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, हुसैनाबाद के पशु चिकित्सालय का यही हाल है। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अभी बोले कि लिख रहे हैं, भूल गए थे। हाँ, वो भूल गए थे लिखने के लिए, इसलिए हम लिख रहे हैं। हम लोग आए थे आपको लिखने के लिए, याद दिला दिए ना। हाँ, अरे भूल नहीं जाता आदमी लिखने के लिए, तो उसमें हम लोग है ना, देखिए 2 रुपया जो एंट्री फीस लगता ना है, वो हम लोग लेते हैं, किसी से नहीं लेते हैं। तो उसका हम लोग 19/20 है ना, आप लोग काफी गलती है, नहीं लिखे था नाम भूल के लिखने के लिए, तो उसका मैंने कहा हुआ 24 तक नाम लिखा हुआ है ना जी। अच्छा, मान लीजिए आपका बड़े अधिकारी आ गए, बोले कि आज आज कहाँ कहाँ दवा बांटे, क्या क्या इलाज किया हमको बताइए, तो फिर उनको आप बोले कि लिख रहे हैं। हाँ, कोई भूल जाएगा तो याद दिला देंगे कि हाँ उस समय वाला भूल गए थे लिखना। आज कितना मरीज आया है, कितना आज नहीं आया है, खाली एक ठो आया था, वही एक ही आदमी को भूल जा रहे हैं बताइए। अरे तो हम नहीं बोले, उल्टा सीधा जवाब, उल्टा सीधा जवाब मत दीजिए। हम कहा बोले कि हम ब्लड सैंपल लाने के लिए चले गए थे, वो थे यहाँ बैठे हुए, मुखिया जी को दवाई दिए, भूल गए लिखने के लिए। डॉक्टर साहब कहाँ नहीं है? वो 3 जगह का प्रभार में है अब इस वक्त। कहाँ है? कहाँ मोहम्मदगंज, हुसैनाबाद, और टीबी और बीएचओ दोनों है, मैंने मोटा मोटी 6 जगह बोली उनको, और जिला में भी मीटिंग चलते रहता है, जैसे कल जिला में मीटिंग है उनका। यहाँ जो सरकार है उनको आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन नहीं देते कि यहाँ पे एक डॉक्टर की जरूरत है, हमेशा 24 घंटे डॉक्टर की जरूरत है? हम लोग छोटा कर्मचारी, हम लोग कैसे लिख के देंगे भाई, छोटा कर्मचारी आप लोग, तो हम लोग कैसे लिख के देंगे कि यहाँ सरकार ना भेजेगा कहाँ कहाँ जरूरत है कर्मचारी। ग्रामीण आते हैं तो डॉक्टर साहब मिलते हैं यहाँ पे कभी? हाँ मिलते हैं जी। कहाँ है उनका पाथी, दिखाई तो स्लिप, कितने बार वो साइन किए, कहाँ क्या, किसका किसका इलाज किया, उनका तो होगा ना डेटा? उनका रजिस्टर हम लोग नहीं बता सकेंगे, वही ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह। आप क्या हैं यहाँ पे? हैं? आप क्या हैं? मैं स्टाफ हूँ। स्टाफ है? हाँ। क्या चीज़ है यहाँ पे, आपका काम क्या रहता है? यहाँ पर हमारा काम नहीं है। कहाँ पर काम है, तो कैसे कर रहे हैं कि वो लिखते हैं डॉक्टर साहब? उनका ही डॉक्टर जो टीबीओ है, टूरिज्म वेटनरी ऑफिसर जो है, उसका अपना जो है कि पूरा रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर उसे देखे ड्रॉल में बंद है। वो टीबीओ जब आएंगे अपना चाबी देंगे, और जो हल्का कर्मचारी है आप देख लीजिए, हुसैनाबाद अनुमंडल का एकमात्र पशु चिकित्सालय है, आप वहाँ पर देखिए किस तरह का यहाँ पर कंडीशन है, बताइए यहाँ पर किस तरह ही लोग रहेंगे, किस तरह का इलाज होगा बताइए। सरकार को ये नहीं दिखना चाहिए बताइए, यहाँ पे सरकार को ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे किस तरह डॉक्टर रहेंगे, यहाँ पे किस तरह कर्मचारी रहेगा, किस तरह का यहाँ पे दवा रहेगा, क्या उनको ध्यान नहीं देना चाहिए बताइए?
बताइए, पूरा का पूरा टूटा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है बताइए? माननीय विधायक कमलेश कुमार सिंह जी, आप ही के आवास के बगल में पशु चिकित्सालय है, किस तरह का हुसैनाबाद का एकमात्र पशु चिकित्सालय का कंडीशन किस तरह का है? आप दीवार का कंडीशन देखिए ना जी, किस तरह का है? यहाँ पे लगा कितने सालों से यहाँ पे पेंटिंग नहीं हुआ होगा। आप देख लीजिए दीवार का किस तरह का कंडीशन है, ऊपर का कंडीशन क्या है, आप इधर साइड का कंडीशन देख लीजिए किस तरह का है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के अधिकारी से पूछने पर पता चलता है कि बताइए, हम लोग तो छोटा छोटा अधिकारी, हम लोग क्या करें? जब हमने कहा कि आप आवेदन देकर यहाँ की जो भी स्थिति है उसे आप अवगत कराइए यहाँ के विधायक को, चाहे सांसद को, चाहे जो वरीय विधायक वरीय पदाधिकारी आपका है उनको आप इसे अवगत कराइए। तो उन्होंने कहा कि हम छोटा मोटा हैं, हमारी बातों को कौन सुनेगा? तो यहाँ हुसैनाबाद में कौन सुनेगा बताइए? अपने यहाँ पे फ्री चालू है, अगर बताइए कोई वैक्सीन रखा हो, अगर कोई पशु के इलाज करने का कोई वैक्सीन रखा हो तो इसका क्या होगा बताइए? यहाँ पे ताला लगा हुआ है, दिखाइए कैमरामैन, बताइए यहाँ पे ताला लगा हुआ है, इसी तरह इलाज होगा यहाँ पे हुसैनाबाद में? यही चलेगा? एक करीब 20-30-40 हज़ार के फ्रीज होगा और यहाँ पे देखिए ताला लगा हुआ है, तो किस लिए है लगा हुआ है? सिर्फ शो के लिए रखा हुआ है बताइए? इसका तार को देखिए किस तरह का कंडीशन है, तार यहाँ पे रखा हुआ है किस लिए? दिखाने के लिए रखा हुआ है, शो पीस के लिए रखा हुआ है? इसको आप मार्केट में रखा हुआ है चाहे यहाँ पे रखा हुआ, बात एक बराबर है। यहाँ पे रखा हुआ है, इसको लाने में कितने कमीशन लिया गया होगा, कितना पैसा मारा गया होगा और फिर भी जनता की यूज में नहीं है, सिर्फ ताला मारा हुआ है? हुसैनाबाद में यही हो रहा है, सब जगह जाइए लाखों करोड़ रुपये की सरकार देती है, ला के रख देते हैं, ताला मार देते हैं, ना जनता यूज करे ना कोई यूज कर रहा, सिर्फ शो पीस के लिए है। नहीं, यहाँ पे एक टेबल सही से देखिए टेबल का कंडीशन किस तरह का है, यहाँ पे मारने पर गर्दा उड़ रहा है, देखिए किस तरह का कंडीशन है, ना यहाँ पे साफ सफाई का कंडीशन है, ना किसी तरह का कंडीशन है, यहाँ पे सब टूटा फूटा है, बरसात में चूता है सर। तो बताइए कैसे आप लोग रहते होंगे? क्या करें, उसी में हम लोग रहते हैं, चूता है तो थोड़ा सा टेबल को घसकाते उसकाते हैं, देखिए ना कितना जगह चूता होता है, देख लीजिए यहाँ पे जो भी जो है उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि यहाँ पे चूता है और हम लोग किस तरह रहते हैं, पानी चूता है, सब जमीन उसी के कारण सब फटा है, यहाँ चूता है, यहाँ चूता है, वहाँ से पानी बरसता है, तो हम लोग बहुत कभी उधर घसकाओ कभी इधर घसकाओ, मैंने टेबल उबुल को कुर्सी को या कागज पत्र है बहुत बचा बचा कर रखना पड़ता है। आप लोग को भी समस्या होता है? हाँ सर, बरसात में बहुत समस्या होता है। कोई आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं देते हैं? हम लोग बढ़ाए हैं ऑफिस में अपना, हम लोग बात आगे बढ़ाए हैं, हम लोग जो साहब हैं वो आगे बढ़ाए हैं। क्या बोलते हैं? बोले कहीं पर बनेगा, यही ना है, बन नहीं करना है, बनेगा, बताइए कितना साल से चल रहा है, आप बनेगा, एक कंडीशन देख लीजिए। हम तो दो तीन महीने से यहाँ हैं, हम तो पहले कितने सालों से कंडीशन देख रहे हैं आप? जब से आए तब से यही है, ऐसे ही है। हम तो लाते हैं, कितना सालों से? करीब यही, करीब चरवाहा विद्यालय था पहले, इसके बाद हम लोग के हैंड में मिला है, लिखा हुआ है इसमें, अपना भवन नहीं है, नहीं मिला है शायद। तो बताइए इस कंडीशन में सिर्फ गाय बकरी ही रह सकता है यहाँ पे, तो आदमी नहीं बैठ सकता? नाम था हॉस्पिटल, नहीं था चरवाहा विद्यालय का नाम से ये वाला था, तो शिफ्ट कर दिया गया। बताइए कैसे बरसात के टाइम में यहाँ पे डॉक्टर कैसे बैठेगा? और हम अभी आए हैं, अगस्त को पार होने के बाद हम आए हैं, तो हम तो अभी नया नया मोटा मोटा ग्रामीण यहाँ पे आए ना, तो किसको दोष देगा? डॉक्टर को ही देगा, जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी में रहेगा उसी को नहीं मिलेगा कि आप नहीं इलाज कर रहे, चाहे आपके पास व्यवस्था क्यों इलाज नहीं है? इलाज तो हर एक प्रकार के हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर, मेरा नाम रंजीत सिंह हुआ, मैं AI केंद्रों का केंद्र प्रभारी हूँ हॉस्पिटल में यहाँ पर। और आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम करीब करीब 8 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे रह रहे हैं 8 सालों से। कंडीशन है 8 साल से बेसी से है, 15 बरस से, मतलब 20 बरस से बेसी का है। बताइए कई विधायक यहाँ पे बदल गए, कई मंत्री भी बन गए, लेकिन हुसैनाबाद के पशु चिकित्सालय का कंडीशन जो था वही आज भी है। आज भी यहाँ पे उसी स्थिति में डॉक्टर भी रह रहे हैं, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट भी उसी कंडीशन में रह रहे हैं, और यहाँ पे जो भी मरीज लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं इसी कंडीशन में बैठते हैं। बताइए इसे हुसैनाबाद में चलेगा? नहीं नहीं, चलता नहीं, हम लोग कहते कहते थक गए हैं। हम लोग अपना विभाग में भी लिखते हैं और इधर भी बोलते हैं, लेकिन कहीं से कोई इसका उपाय नहीं मिल पा रहा। एक तो बना भी था तो वो देख लीजिए वहाँ पर जर्जर स्थिति में है, उसमें हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया कि वो कब गिर जाएगा कब धस जाएगा, कोई ठीक नहीं है। बना था एक तो हॉस्पिटल, लेकिन बताइए यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था नहीं है, किसी का बाथरूम लग जाए तो कहाँ पे जाइएगा? चापाकल का व्यवस्था नहीं है? नहीं है, मार्केट में जाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मजबूरी है। तो बताइए हुसैनाबाद का एकमात्र पशु चिकित्सालय, अनुमंडल का पशु चिकित्सालय है यहाँ पे, पूरे हुसैनाबाद के करीब कम से कम 30-40 गाँव के मरीज यहाँ पे लेकर आते होंगे अपने गाय बैल को, और न यहाँ पे एक बाथरूम है, न यहाँ पे शौचालय है, और न यहाँ पे कल है, तो कैसे यहाँ पे लोग आएंगे? अगर मान लीजिए कोई पशु आया, अगर उसको पैर धोना हो चाहे किसी धोना हो, तो कहाँ से धोएंगे?
लोग बताए कितना दूर जाता होगा, विधायक जी का आवास से भी आगे जाते होंगे, वहाँ से लेकर आता होगा, वहाँ से लाते हैं, शौचालय के पास से पानी लाते हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ, पानी का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम भी नहीं है सर, जाते उधर ही बाथरूम लगता है यार, रहने का तो व्यवस्था है ही नहीं, पानी में हम लोग छुप छुप के इधर उधर बैठते हैं। बताइए क्या हुसैनाबाद में ऐसे ही चलेगा? विधायक कमलेश कुमार सिंह जी या यहाँ के सीओ साहब या यहाँ के सांसद बी डी राम जी और पलामू के डीसी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम आप दया कीजिए इस पशु चिकित्सालय पे और यहाँ पे एक शौचालय और एक चापाकल का त्वरित कार्रवाई कीजिए, और जो भी टूटा फूटा है वहाँ पे करकट डालकर चाहे जो भी व्यवस्था हो उसको यहाँ पे तुरंत इलाज करने का यहाँ पे व्यवस्था कीजिए, ताकि यहाँ पे जो डॉक्टर बैठे उनको भी एक अनुभव हो कि हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनको भी अनुभव नहीं होता होगा यहाँ पे बैठने के बाद कि हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनको भी लगता होगा कि कहीं जहाँ पे गाय बैल रहते हैं वहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे इस तरह का कंडीशन है, ना यहाँ पे शौचालय है, ना चापाकल है, ना बैठने का सही जगह है, ना ऊपर से सही जगह है, तो हुसैनाबाद में हो क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको तो शाबाशी देना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग पर यहाँ पे गर्व होना चाहिए हुसैनाबाद को कि इस कंडीशन में भी रहकर इन लोग यहाँ पे इलाज करते हैं, यहाँ पे आम ग्रामीण की जनता के लिए लोग इन लोग खड़ा रहते हैं, पानी पीने का भी दिक्कत होता है, बताइए पानी भी नहीं है, पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, मंत्री विधायक को बिस्लरी बोतल चाहिए, अब इनको चापाकल का पानी का नसीब नहीं है, ना लेके आते हैं एकदम घर से ही लेके हम लोग आते हैं, जहाँ घर है हम लोग का डेरा वहाँ से लेके आते हैं बोतल में पानी, तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है अगर हमारे वीडियो के विधायक कमलेश कुमार सिंह पलामू के डीसी और पलामू के सांसद बी डी राम देख रहे हो तो कम से कम आप इस चिकित्सालय पर दया करके जो भी समुचित व्यवस्था हो उसे करने का कष्ट करें। कैमरामैन अंशु कुमार के साथ प्रिंस कुमार सिंह हुसैनाबाद। बताइए आप हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह के आवास के बगल में ही आपका ये चिकित्सालय है, आप बताइए विधायक साहब का क्या उम्मीद है? सबसे बड़ा यह मामला है कि यह जो हुसैनाबाद यह अनुमंडल है, अब यह अनुमंडल आज़ादी के बाद हम इसको समझते हैं कि अभी हुसैनाबाद को क्लास वन वेटनरी हॉस्पिटल आपको नहीं नसीब हुआ। सेकेंडरी चीज़ है कि माननीय विधायक को क्या कहा जाए, तीन तीन विधायक यहाँ से चेंज हुए, सारे मैंने कहने का मतलब है जनप्रतिनिधियों की सूचना है कि यहाँ के टोटल जनता आते हैं, ट्रीटमेंट के ख्याल से आते हैं, सारे लोग आते हैं आ करके, सब ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा यह खास आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्लास वन वेटनरी हॉस्पिटल जो यह हुसैनाबाद में है, ये बगल में माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री कमलेश कुमार सिंह जी के आवास के जस्ट बगल में बना हुआ है। जैसी वह ठेकेदार बिल्डिंग बना करके हम लोग सोचे कि चलो भाई यह करकट से निजात हमें मिलेगी, लेकिन हुआ क्या कि उसको क्या कहा जाए, मैंने निजात मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि वह भवन का चाबी पशुपालन को आज तक नसीब नहीं हुआ, मैंने उसके पहले ही वह जो है कि आपका पशुपालन भवन का क्या लगता है क्यों नहीं दिया गया आप लोग के चाबी वो तो क्या है, भवन जो है सर जर्जर अवस्था में हमें मिला ना, भवन बन करके निर्माण होने के माने एक माह के बाद जैसे ही हम लोग वहां पर गए तो वहां देखे कि पूरे जर्जरावस्था में भवन है, एक माह में जर्जर हो गया आपका जर्जर हो गया, तो आज वर्तमान आज आज़ादी के बाद इसी में हम लोग का नसीब है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि शीत ताप नियंत्रित कमरा में बैठ के विकास का खाका बनाने वालों पर ना, फुल एसी में बैठ के विकास के खाका लिखते हैं बनाने वालों को, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें डर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैदर नगर के 22 जो है कि पंचायत में मल्टीटास्किंग आर्टिफिशियल इंसिमिनेटर को बहाल किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा चीज है कि क्या भाई मोदी जी भी बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दिलाने की बात, आज 10 वर्ष यह बीत रहा है व्यक्ति को, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अपनी कहानी किससे कहूँ, यह जो है से कि जैसाइए झारखंड स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बिफेलो डेवलपमेंट के द्वारा सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके लड़के को मोटरसाइकिल मिलेगा गांव-गांव जाने के लिए। तो क्या यहाँ पे हुसैनाबाद में मिलता है मोटरसाइकिल? कुछ नहीं, पहले तो सुना जाए ना, मोटरसाइकिल क्या कहा जाए, मोटरसाइकिल नहीं, फ्री सीमेंट आपको करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक एक भी कार्यकर्ता को जेएसआईए के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा किसी प्रकार की गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई। बताइए
यहाँ पे जो भी गांव में घूम घूम कर जो इलाज करने जाएंगे उनको सरकार के द्वारा गाड़ी मिलना चाहिए, लेकिन आज तक उनको यहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिला। बताइए, जो मंत्री विधायक हैं उनको एसी वाला कार मिलना चाहिए, फ़ोन से बात करने के लिए फ्री मोबाइल चाहिए, घूमने के लिए फ्री एकदम पेट्रोल चाहिए, और उन लोग को कहे तो रेस्टोरेंट में खाना भी फ्री चाहिए, सब कुछ उन्हें उनको फ्री चाहिए, लेकिन जो जनता की भी जो इलाज कर रहा है उनको आज तक न पैसा मिलता है, न उनको इलाज करने के लिए गाड़ी जाने के लिए दिया जाता है, तो क्या हुसैनाबाद में इसी तरह चलेगा, बताइए। सेकेंडरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि सबसे बड़ी बात है कि 50 रुपये जो ऐसे कि एआई पर हमें इंसेंटिव देने की सर वहाँ से बात हुई, 50 रुपया आपको मिलेगा, 3 महीना के बाद मिलेगा, वेतन मिलेगा होली बाद, इनका जो है होली बाद आपका वेतन मिलेगा। हम जाते हैं एआई करते हैं, क्या एआई करते हैं हम, क्या पैदल जाएं? क्या आप 50 रुपया से आप आशा रख सकते हैं? इसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात है कि हुसैनाबाद में 2 स्टाफ देख रहे हैं, हमारा मोहम्मदगंज में 1 स्टाफ है गवर्नमेंट का जो वेतन भोगी है। 1 बजे हम यहाँ चले आए भोजन करने के लिए, आपसे हमारी मुलाकात हो गई, आप जब हमसे प्रश्न किया हम सही सही जवाब देंगे आपको। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर 1 स्टाफ नहीं, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के महोदय के द्वारा भी कहा जाता है कि फलाना यहाँ आइए, हमें वेतन मानसून सर, दिन भर हमको फार्म छटवाइएगा, हमारा बाल बच्चा कैसे जिंदा रहेगा? अरे कहीं कुछ करेंगे तब तो। माननीय DHO से मैंने, हमने पलामू DHO से गुजारिश किया है, निवेदन किया है इस संबंध में कि तमाम जो हॉस्पिटल में जो कम से कम कार्य करता है मनरेगा की भी मजदूरी देने की व्यवस्था कराई जाए। आज तक सारे के सारे सोए हुए हैं, कोई कहीं कोई कागजी घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, हमसे काम कराया जाता है बस। क्या भैया 50 रुपया पर हम आए थे कृत्रिम गर्भाधान का काम करने के लिए, पाल देने के लिए हम आए थे, हम क्या करेंगे? जूनेटिक, सबसे जूनेटिक बीमारी का वैक्सीनेशन हमसे कराया गया, जूनेटिक वैक्सीनेशन कराया गया। आप लोग के अलग से पैसा नहीं मिलता है कुछ नहीं, सुना जाए उसमें 23 रुपया कितना था जी, 29 रुपया कह करके सरकार, लेटर है उसका, लेटर दिखाना आपको मैं चाहूंगा, और 6 रुपये हमको पेमेंट किया गया, सुन लिया जाए। बताए तो सरकार इस दूसरा व्यवहार क्यों कर रही है इन लोग से, जब कह रही है कि 29 रुपये हम देंगे तो इनको 6 रुपये क्यों दे रही है? सरकार का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक यह धरती पर भूखा इंसान रहेगा, धरती पर भयानक तूफान आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैं कहना चाहता हूं कि अकबकाने की बात नहीं है, बहुत कम समय है, सोई जनता जगेगी और ये भ्रष्ट व्यवस्था भागेगा, चाहे वह माननीय विधायक हो कि मंत्री हो, हमारी समस्या को अगर गंभीरता से नहीं सुनेंगे, हम कहते हैं कि इसके लिए हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं जिला पर, जिला में। हम पूछना चाहते हैं आप, अभी आपने हमसे जो समस्या के बारे में, आप जो अभी बुनियादी सुविधा के बारे में आप पूछने आए श्रीमान, मैं बताना ये चाहता हूं कि सुविधा के नाम पर क्या जूनेटिक बीमारी, इस न्यूज को डॉक्टर भी देखेंगे, क्या ब्रुसेलोसिस वैक्सीन आदमी के अंदर वह जो ऐसे कि ट्रांसफर होगा, बीमार पड़ेगा, ग्लोव्स के नाम पर 0, सैनिटाइजर के नाम पर 0, वैक्सीन 23 रुपया करा दिया सरकार ने, चिट्ठी निकाल दिया, 6 रुपया हमें दिया। सेकेंडरी है कि गाड़ी नहीं, शौचालय नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल की सही व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि पशुपालन व्यवस्था, पशुपालन विभाग या विधवा विभाग हम इसको कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अब इसमें उनको जहां फांसी पर चढ़ना होगा मैं चढ़ूंगा। अगर आपकी वीडियो का पलामू के DC देख रहे हो, अगर किसी तरह हमारी वीडियो उन तक पहुंचती है तो आप उनसे क्या नम्र निवेदन करते हैं? माननीय DC महोदय से निवेदन जरूर मैं करूंगा कि माननीय जब स्वयं जो ऐसे कि सब हमारे DC महोदय जो है कि आपके किस सरकार आपके द्वार का, हाँ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो अभी चलाया जा रहा था, दिन दिन भर विदाउट TVO के, विदाउट सरकारी कर्मचारी के, जो वेतन बिना भोगी के, हम हैदरनगर में तमाम जो है कि सारे जगह जो है कि हमने जो है शिविर करने का काम किया, माननीय विधायक भी थे, लेकिन हम लोग को कौन सुविधा से माने न जनप्रतिनिधि को, सारे लोग जानते हैं। अभी जो है कि रांची में विधानसभा राजभवन घेरने का वहाँ प्रयास किया गया था मेरे मित्रों के द्वारा, और वहाँ भी जो है कि आवाज़ उठाई गई है सरकार को भी, उपायुक्त आप देख रहे हैं इनका दर्द कितना है, इनको न सैलरी दिया जाता है और सरकार के द्वारा एक लेटर दिया गया था कि 29 रुपये में वैक्सीन देना चाहिए, लेकिन इनको तो 6 रुपये मिला, बताइए। इसके बाद पैसा आधा साफ,
आधा एआई का भी पैसा साफ बैठल बैठल। तो बताइए ना, यहाँ पे इन लोग का गांव में जाने के लिए गाड़ी दिया जाता है, बताइए अगर इन लोग के पास गाड़ी नहीं हो घर में तो लोग जाएंगे कैसे, पैदल जाएंगे? इन लोग पैदल जाते जाते रात हो जाएगा तो कैसे गाँव में इलाज होगा? तो क्या इन लोग की सरकार गाड़ी नहीं दे सकती है? क्या उसमें पेट्रोल डालकर नहीं दे सकती है? नेता लोग खाली फ्री में चाहिए प्लेन, बस, एसी वाला गाड़ी, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो छोड़िए, अब झारखंड सरकार सभी को एक एक फॉर्चूनर दे दिए मंत्री लोग को, तो क्या झारखंड सरकार को यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, किस तरह से यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं? यहाँ पे कईयों को कई महीनों से पैसा नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार प्रजापति। क्या आप लोग का क्या समस्या है? सरकार पैसा नहीं दे रही है? सरकार पैसा नहीं दे रही है, 50 रुपया देती है या ये रुपया, वो भी इस वर्ष काम कीजिएगा तो अगले वर्ष मिलेगा। तो आप लोग का घर कैसे चलता होगा? घर कैसे चलता? हम लोग कुछ घर में खेती गृहस्थी भी करते हैं, इसी में अपना एआई का काम करते हैं, कुछ और अलग पार्ट टाइम कुछ काम करते हैं, वैक्सीन करते हैं, तो वैक्सीन का पैसा आज कीजिएगा तो 6 महीना बाद मिलना है। तो बताइए सरकार को इनका दर्द को समझिए, ये हमारे ही तरह आप ही की तरह ग्रामीण आम जनता है, और इनका जो काम के बदले में पैसा मिलना चाहिए, इनको ना पैसा दिया जाता है तो बताइए इनका घर द्वार कैसे चलेगा? इनका बच्चा क्या सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो क्या प्राइवेट में पढ़ेगा? अब सरकारी स्कूल में जानते हैं ना किस तरह का पढ़ाई होता है, बच्चे लोग कैसे इनका पालन पोषण होगा, ये तो खुद ही समझ सकते हैं, ये तो आप नहीं समझ सकते हैं, ना यहाँ के नेता विधायक मंत्री कोई नहीं समझ सकता है, और जिसके ऊपर होता है वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। इनको कई महीनों से पेमेंट नहीं मिला हो, क्या झारखंड के जितने भी मंत्री विधायक हैं उनको 1 महीना का सैलरी काट दिया जाए तो हाँ वहाँ विधानसभा में मचा देंगे? और यहाँ पे जो डॉक्टर लोग हैं, चाहे जो भी असिस्टेंट जो भी हैं यहाँ पे, उनको कई महीनों से सैलरी नहीं दिया गया है, कभी इनके आवाज़ को कोई सुनने आया है यहाँ पे? कभी इनके दर्द को सुनने के लिए कोई आया है? पेंशन चाहिए माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद को पेंशन चाहिए, अब हमें भोजन भी नहीं चाहिए। आप लोग क्या कीजिए, एक दिन धरना प्रदर्शन दीजिए, ताला बंद कीजिए और यहीं पे धरना प्रदर्शन दीजिए। कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनेगी? सबसे बड़ी बात है कि धरना प्रदर्शन तो खैर हम लोग को देख रहे थे कि चलो सेवा परमो धर्मा, गो सेवा में हम लोग आए हैं, हम लोग गांव गिराव किसान, आप मैं चैलेंज करना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि चलें और चल करके हमारे तमाम जो है कि फील्ड में, गांव में जाने के बाद हमें भगवान जैसा आदर किया जाता है, लेकिन घर में जब हम आते हैं तो परिवार से बात सुनना पड़ता है। आज जिस पर बीते वही जानता, शब्द नहीं है कहने के, जिस पर बीत रहा है वही जानता। इनके ऊपर इतना दर्द है कि ये कहने के लिए भी नहीं बोल पा रहे कि इतना दर्द है हमारे पास, जिसके ऊपर होता है वही समझता है। कितने दिनों से आप लोग को सैलरी नहीं मिला है? 10 बरस लगभग हो गया। 10 बरस से आप लोग को महीना नहीं मिला है? नहीं मिला। तो 10 बरस आप लोग घर कैसे चलाते हैं? हम लोग का अपना खेती बाड़ी है, उसके अनुसार विधायक मंत्री या वरीय पदाधिकारी से बात नहीं किए? सबसे बात किए हैं लेकिन कोई यहाँ सुनने वाले नहीं है, कोई आवाज भी उठाने वाले नहीं है कि हाँ इन लोग कैसे, इन लोग का दाल रोटी चलेगा।